Hello and welcome back to Mom's Magic. तो आज हम बनाएंगे सबसे टेस्टी, सबसे यूनिक और बहुत ही बेहतरीन मार्बल केक। ये देखिए, ये परफेक्टली बनकर रेडी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने मिक्सिंग बोल में जो है 4 से 5 चम्मच तेल लिया है। आप इसमें जो है बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने तेल का यूज़ किया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी का पाउडर। 1 कप चीनी का पाउडर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से इसमें डालकर और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि चीनी और तेल अच्छी तरह से घुल जाए। अब देखिए, ये देखिए मिक्स हो गया है। तो चलिए अब मैं इसमें डालूंगी 1 कटोरी दही। मैंने घर का फ्रेश दही यूज़ किया है। इसको डालकर इसमें मिक्स कर लीजिए। इससे केक बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्पॉन्जी बनता है और केक बहुत ही नरम बनकर तैयार होगा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि तेल, दही और चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ देखिए, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो चलिए अब हम बाकी इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी 2 कप मैदा। और थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा ऐड करूंगी और इसको इस तरह से मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा, नहीं तो ज़्यादा ऐड करेंगे तो लम्ब्स बनने लगता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से इसको मिक्स करिए और लम्ब्स बनने ना दीजिए। और इसको एक साइड रोटेट, मतलब घुमाते हुए मिक्स करिएगा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए, मैंने बाकी मैदा भी इसमें डाल दिया है और इसको अब मिक्स करके इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो बैटर तैयार करने के लिए यहाँ पे मैं 1/2 कप दूध का यूज़ करूँगी। तो जब आपको दूध कम लगे तो आप थोड़ा सा दूध बढ़ा भी सकते हैं, और अगर ज़्यादा हो जाए तो कम कर दीजिएगा दूध। तो ये देखिए, इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे हम इसका कंसिस्टेंसी सही करने के लिए। यहाँ पे मैंने जो है दूध का पाउडर लिया है 1 बोल, और इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। दूध के पाउडर से हमारा केक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही रिच बनकर तैयार होता है। इसको मिक्स कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, 1/2 टेबल स्पून। और अब इसमें डालते हैं हम बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर जाएगा और उससे कम 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। और इसको डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इससे केक बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ्लफी बनता है। और यहाँ पे चलिए डालते हैं हम वनीला एसेंस। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच वनीला एसेंस डाला है। नहीं आपके पास वनीला एसेंस तो स्किप कर दीजिए, लेकिन वनीला एसेंस से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको इस तरह से मिक्स कर लीजिए और इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके इसका एक परफेक्ट बैटर तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से मिक्स करिए। एक साइड में ही घुमाइएगा इसको, दोनों साइड मत घुमाने लगिएगा। एक साइड से घुमाइए और यहाँ पे मैं दूध डालकर इसका एक परफेक्ट बैटर तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, इसका बैटर ज़्यादा फ्लोइंग मत बना दीजिएगा, इसका कंसिस्टेंसी ध्यान देते हुए। तो ये देखिए, यही इसकी कंसिस्टेंसी होगी। इस तरह से हमको इसका बैटर तैयार करना है। ये देखिए, इस तरह से इसका बैटर बनेगा। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से रहेगी। तो ये देखिए, ये बैटर अब बनकर रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, ये देखिए, थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं इसको और इसको मिक्स कर लीजिए थोड़ा सा, अच्छे से लम्स ना बने। तो यहाँ देखिए, इसका बैटर अब बनकर रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, इस बैटर को हम 2 हिस्से में डिवाइड कर लेंगे, इक्वली हम बांट लेते हैं। एक बैटर हमारा वनीला वाला बैटर रहेगा जो कि प्लेन रहेगा, और जो हमने अलग से एक बैटर अलग कर लिया उसमें चॉकलेट मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने कोको पाउडर लिया था 3 से 4 चम्मच, और इसमें दूध डालकर इसका एक मतलब इस तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं, इसका चॉकलेट लिक्विड तैयार कर लेते हैं।
और फिर इसको मिला देंगे हम अपने उस बैटर में। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर आप दूध की जगह पानी भी डालकर मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मिक्स करिए और इसका एक चॉकलेट सिरप तैयार कर लेंगे जो कि हम बैटर में डालकर इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ देखिए ये मिक्स होकर रेडी हो गया है। तो चलिए इसको अब हम बैटर में डाल देते हैं। तो ये देखिए इसमें मैं इसको डाल रही हूँ और इसको मिक्स करके एक चॉकलेट फ्लेवर्ड बैटर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए चॉकलेट फ्लेवर्ड बैटर अब बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम अपना केक बनाना शुरू करेंगे। तो केक बनाने के लिए मैंने केक टिन जो है एक कंटेनर को अच्छी तरह से मैदा से पहले ऑयल से ग्रीसिंग किया और अब मैदा से मैंने ग्रीसिंग कर लिया है ताकि केक आसानी से निकल जाए। अब क्या करेंगे, पहले हम एक चम्मच चॉकलेट बैटर एक मतलब लेंगे, फिर उसके बाद एक चम्मच हम वनीला वाला बैटर लेंगे। फिर इसी तरह से हम जो है इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, एक बार चॉकलेट एक बार वनीला, एक बार चॉकलेट एक बार वनीला, और इस तरह से करके जो है हम इसमें डालेंगे। ये देखिए ये अपने आप फैलता है, आपको फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही बैटर डालेंगे ये अपने आप फैलने लगता है और एक डिज़ाइन बनकर अपने आप तैयार हो जाता है। ये देखिए इस तरह से करेंगे, इसमें बहुत मज़ा आता है करने में, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह से करके जो है हम इसमें पूरा बैटर डाल देंगे। अब चलिए स्टीमिंग करेंगे जब हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने डाल लिया था। अब यहाँ पे मैंने जो है नमक पहले से रखा हुआ है और यहाँ एक स्टैंड लगाकर इसमें मैं केक को बेक करूँगी 40 to 45 minutes तक। तो बेक होने के बाद इसको हम सर्व करेंगे। तो 40 to 45 minutes बाद आकर मैं देख रही हूँ, ये देखिए मैंने केक को सर्व किया, ये बहुत ही परफेक्टली और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ही फ्लफी बनता है ये केक, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए बहुत ही लाजवाब कितना अच्छा बना है, ये देखिए कितना फ्लफी है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत ही ईजी है, बहुत ही मज़ा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।